नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास सेना भर्ती रैली के लिए जल्द भरे आवेदन। इंडियन आर्मी गुजरात के विभिन्न जिलों में भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साथ ही जो 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा हैं, इसके लिए www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जनवरी 2021 है। ये भर्ती सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही टेक्निकल एविएशन एम्यूनिशन, सिपाही ट्रेड्समैन, सिपाही क्लर्क, स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर की जाएगी। आपको बता दें, चयन प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटीआई और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके साथ ही लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की थी। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में जानते हैं, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया हुआ था। ह्वेन सोंग, जो कि चीनी यात्री थे, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी इस स्थल का दौरा किया था। फसल सहायता योजना में अब 9 फसलों के लिए होगा निबंधन। सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना में किसानों के निबंधन के लिए फसलवार तारीखों का निर्धारण कर दिया है, जिसके बाद भोजपुर, पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई, भागलपुर और पटना जिले के चिन्हित प्रखंडों के किसानों को निबंधन के लिए अन्य सूचनाओं के साथ साथ बिजली उपभोक्ता संख्या को अंकित करना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही रैयत और गैर रैयत दोनों में से किसी एक श्रेणी में आवेदन देने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। योजना के तहत फसल में 20% की क्षति होने पर किसानों को 7,500 प्रति हेक्टेयर राशि मिलेगी। अधिक नुकसान पर यह राशि 10,000 है। सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दी जानी है। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 425 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,43,673 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 195 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 26 तो वहीं सारण में 22 मामलों की पुष्टि की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का शुभारंभ करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत पिछले साल से हुई है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 8 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वहीं इस बार सभी 38 जिलों में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास के नेक संवाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद रहे थे। अगले 2 से 3 दिनों में बिहार के कुछ जगहों पर हल्की बारिश की बढ़ी संभावना। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में कोहरे की परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोहरे का असर कम देखने को मिला है, पर पूरे राज्य में बादल छाने की समस्या देखी गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास देखने को मिला। सिर्फ गया की बात करें तो गया का तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसमें 2 से 5 डिग्री तक की वृद्धि देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले 2-3 दिनों में 1 या 2 जगह पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही 48 घंटों तक रात के तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। सुबह के समय में धुंध और मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम बिहार में होगा 3 चरणों में। कोरोना के माहौल में वैज्ञानिकों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है, जिसके बाद वैक्सीन के जल्द से जल्द आने के आसार भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में 3 चरणों में टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है, जबकि दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को शामिल किया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी और अन्य सेवाओं के कर्मी शामिल हैं। तीसरे चरण में आम लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आम लोगों के टीकाकरण को लेकर बड़ी संख्या में कोल्ड चेन मेंटेन करने की आवश्यकता होगी।
पंचायत चुनाव में वार्डवार मतदाता सूची में गड़बड़ी होने पर जता सकते हैं आपत्ति। पंचायत चुनाव का आयोजन इस बार 3 स्तर पर होने वाला है। वहीं त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन के बाद उसमें त्रुटि होने का दावा या आपत्ति जता सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 7 बिंदुओं के आधार पर ही दावा और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। आयोग के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूची में नाम है, किंतु विखंडन के बाद तैयार की गई पंचायत की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है, तो मतदाता की योग्यता रखने वाले अपना नाम दर्ज किए जाने को लेकर दावा पेश कर सकते हैं। गंगा के बाद अब कोसी समेत बिहार की अन्य 7 नदियों को साफ करने की शुरू हुई तैयारी। गंगा नदी के अलावा राज्य के 7 नदियों को साफ करने की तैयारी शुरू हुई है। इन नदियों के किनारे बड़े शहरों से निकलने वाले सीवरेज और ड्रेनेज के गंदे पानी को साफ करने और वापस नदियों में गिराने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी में नमामि गंगे परियोजना के तर्ज पर कोसी, बूढ़ी गंडक, सोन, गंडक, क्यूल, बागमती और महानंदा नदी में गिरने वाले गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ किया जाना है। इसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से योजना की DPR तैयार की जा रही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी की। गुरमीत चौधरी का जन्म भूमिहार ब्राह्मण परिवार में 22 फरवरी 1984 को बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। यूं तो गुरमीत जयरामपुर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुकात रखते हैं। गुरमीत का बचपन जबलपुर और चेन्नई में बीता है। गुरमीत चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। उनका पहला टेलीविजन रामायण था, जिसमें उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने कई शोज किए। गुरमीत छोटे पर्दे के सफल अभिनेता है। गुरमीत ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2015 में महेश भट्ट की फिल्म खामोशिया से की थी। बिहार में वेटलैंड्स की स्थिति पर सरकार पॉलिसी बनाने की कर रही है तैयारी। राज्य सरकार प्रदेश में पानी संग्रह की जमीन को बचाने के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह पॉलिसी संकटग्रस्त वेटलैंड्स को बचाने के लिए तैयार हो रही है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहा जाता है। सरकार मान रही है कि वेटलैंड को नहीं बचाया गया तो अगले एक दशक में प्रदेश जल संकट में गंभीर रूप से फंस जाएगा। इससे न केवल बहुमूल्य जैव संपदा का विनाश हो जाएगा, बल्कि वेटलैंड्स पर आजीविका के लिए निर्भर लाखों की आबादी पलायन कर सकती है। व्यापक स्वरूप वाले संकटग्रस्त वेटलैंड्स पटना, समस्तीपुर और वैशाली जिले में है। यह सभी वेटलैंड्स सबसे भयावह बर्बादी की चपेट में है। बिहार में जिला पुलिस के सिलेक्टेड जवानों को मिलेगी कमांडो ट्रेनिंग। बिहार के पुलिस के जवानों को कमांडो के तौर पर तैयारी करने की पहल शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कमांडो की ट्रेनिंग काउंटर इंसर्जेंसी और CIAT में होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को कमांडो ट्रेनिंग के लिए 5-5 जवानों का चयन करने और उन्हें जरूरी उपकरण के साथ CIAT स्कूल भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि आपको बता दें, कमांडो ट्रेनिंग उन्हीं जवानों को दी जाएगी जो नए हैं। जिला पुलिस को हाल ही में बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने वाले जवानों को कमांडो ट्रेनिंग के लिए चयनित करने के निर्देश दिए गए थे। इनकी उम्र 35 वर्ष से कम होनी थी। कमांडो ट्रेनिंग के लिए जवानों का चयन बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। बिहार के उदयशंकर इंडस्ट्री चैंबर फिक्की के बनेंगे नए प्रेसिडेंट। पेशे से पूर्व पत्रकार और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव उदयशंकर इंडस्ट्री चैंबर फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिक्की की सालाना AGM का उद्घाटन बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जिसके बाद आज इनके समापन सत्र में उदयशंकर नए अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, उदयशंकर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी है। उन्होंने अब तक पटना और दिल्ली में बतौर रिपोर्टर काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी राजधानी पटना से की थी, जिसके बाद वो आज तक और स्टार न्यूज से होते हुए एंटरटेनमेंट चैनल की दुनिया में कदम उन्होंने रखा था और आज स्टार इंडिया के चेयरमैन और CEO और 21st Century Fox के प्रेसिडेंट बने हैं। एक छोटे से जगह से निकलकर उदय ने JNU में अपनी पढ़ाई की। हर बिहारी की तरह IAS बनने का सपना भी देखा, मगर वो सपना पूरा नहीं हुआ तो पत्रकार बन गए। बिहार में उद्योग क्षेत्र के लिए अच्छी खबर। बिहार सरकार नए साल में उद्योग क्षेत्र को बड़ा तोहफा देने वाली है। उद्योग लगाने में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें कई तरह के लाइसेंस लेने से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए लाइसेंस हॉलीडे पर मंथन जारी है, जिसके बाद
अगर सब कुछ सही रहा तो दर्जनों लाइसेंस और एनओसी की जगह नया उद्योग लगाने के लिए केवल जरूरी लाइसेंस ही लेने होंगे। यह सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को कोरोना संकट से उबारने के लिए कर रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार औद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उद्योग को बढ़ावा देने की कवायद काफी लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि कोरोना के कारण उद्योग लगाने की प्रक्रिया पर थोड़े समय के लिए ब्रेक लग गया था। खेती के लिए अनुदान में मिले खाद का गैर कृषि कार्य में उपयोग करने वालों की अब खैर नहीं। खेती के लिए सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में खाद दिया जाता है। हालांकि ऐसी कई शिकायतें सामने आई है जिसमें यह बात खुलकर निकली है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले सरकारी अनुदान का इस्तेमाल गैर कृषि कार्यों में किया जाता है, जिसके कारण सरकार की चिंता अब बढ़ती जा रही है। जिसके बाद सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड कर दिया है। इससे गैर कृषि कार्य में उपयोगिता तो घट गई है, मगर अभी भी यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। सरकार को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही अब राज्य सरकार ने खाद दुकानों पर छापेमारी करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी जिलों को इस बाबत कार्रवाई करने के लिए अलग से टीम का गठन करने का निर्देश भी जारी किया गया है। यूरोप में जलवा बिखेर रहे हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर बिहारी बॉय ध्रुव। बिहारी प्रतिभा का लोहा आज पूरा दुनिया मानती है। ऐसे में इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर बिहारी बॉय ध्रुव वर्मा यूरोप में इन दिनों अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में भारत की पहली इंडो पॉलिश फिल्म नो मीन्स नो की शूटिंग पोलैंड में पूरी की है। यह फिल्म संभवत 22 मार्च 2021 को रिलीज होगी। फिल्म हिंदी, इंग्लिश और पोलिश में बनी है। इसके बाद ध्रुव वर्मा ने अपनी अगली फिल्म द गुड महाराजा के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है। यह फिल्म दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। वहीं ध्रुव वर्मा मिड डे शोबीज अवार्ड में भी नॉमिनेट किए गए हैं। आपको बता दें कि ध्रुव वर्मा की जड़ें बिहार से जुड़ी है और उनके पिता का मकान राजधानी पटना के कंकड़बाग में है। बिहार पुलिस एसोसिएशन को गृह विभाग ने बताया फर्जी। बिहार पुलिस एसोसिएशन को लेकर उठा बवाल अब और गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मामले में आमने सामने आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी बिहार पुलिस एसोसिएशन को फर्जी और गैर कानूनी करार कर दिया गया है। जिसके बाद एडीजी ने गृह विभाग को पत्र जारी करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार पुलिस सहित देश के सभी पुलिस बल पर पुलिस बल अधिनियम 1966 लागू होता है, जिसकी धारा 3 कहती है कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी संघ का सदस्य नहीं हो सकता। राज्य के सभी सेवा संघों पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1960 भी लागू है। गृह विभाग ने कहा है कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के गठन के लिए राज्य सरकार की अनुमति से जुड़े कोई साक्ष्य गृह विभाग में उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान के बंद होने से मेस और लॉज का हुआ बुरा हाल। कोरोना के कारण शुरू हुई परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षण संस्थानों पर लगाए गए ताले ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोचिंग संस्थान के बंद होने से किताब और स्टेशनरी के दुकानदारों की सेल 90% घट चुकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले महीनों से परेशानी झेल रहे हैं। शहर में प्राइवेट लॉज, हॉस्टल और मेस चलाने वाले भी महीनों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। एक अनुमान के तहत शहर में 6,000 के करीब प्राइवेट लॉज और हॉस्टल चलते हैं, जिनसे करीब 1.5 लाख लोगों का रोजगार चलता है। इसके अलावा करीब 3,000 से ज्यादा की संख्या में मेस और हॉस्टल चलते हैं, जो पूरी तरह से विद्यार्थी पर निर्भर होते हैं। बिहार सरकार को राजकोषीय घाटा को 5% तक रखने की मिली छूट। कोरोना के कारण पूरे देश में आर्थिक समस्या आ गई है। हालांकि बिहार की पूरी गतिविधियां भी पूरी तरह से प्रभावित है। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। सूबे में के टैक्स संग्रह में अब तक लगभग 17% का शॉर्टफॉल बना हुआ है। हालांकि इस बार राजकोषीय घाटे को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत निर्धारित मानक 3% के अंदर रखना बड़ी चुनौती होगी। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को इस बार अपने राजकोषीय घाटे को 5% तक रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह प्रावधान राज्य के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे इस नए मानक के तहत राजकोषीय घाटा नए वित्तीय वर्ष में भी 5% से कम रहने की संभावना है। बजट में राजकोषीय घाटा को निर्धारित मानक के तहत बरकरार रखने से राज्य को केंद्र से कई तरह के विशेष आर्थिक प्रावधान के साथ ही केंद्रीय पुल से राज्य को टैक्स शेयर करने में बिना किसी कटौती के राशि मिलती रहेगी।
जगदानंद सिंह ने बिहार में जंगलराज से उम्मीद करना बताया बेमानी। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अप्रिय वाक्यों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में राजद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बढ़ते अप्रिय वाक्यों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने पटना हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बालिका गृह मामले को लेकर टिप्पणी कर चुका है और बिहार में तो महाजंगल राज है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार पूरी तरह अस्तित्व विहीन है, इसके बूते की बात ही नहीं है कि वो अप्रिय वाक्यों पर कंट्रोल कर सके। सीबीएसई और सीआईएससीई की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कोरोना से जुड़े सवाल। कोरोना का प्रभाव वर्तमान समय में पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना के कारण आम जिंदगियां और कामकाज तो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, मगर शिक्षण संस्थान पर अभी भी ताला लटका है। इसी बीच परीक्षाओं की तारीख नजदीक आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीएसई और सीआईसीएससीई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नए विषयों के प्रश्न कोरोना से संबंधित होंगे, जिसकी जानकारी बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं। सैंपल पेपर के माध्यम से दिए गए हैं। कोरोना ने सामाजिक के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर डाला है। ऐसे में इससे जुड़े प्रश्नों को बोर्ड परीक्षार्थियों की तरफ से ही लेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1950 में आज ही के दिन भारत रत्न से अलंकृत और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया को अलविदा कहा था। 1953 में भारत के एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। 1991 में जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से आज ही के दिन नवाजा गया था। आकाश ने चुनी दशक की बेस्ट T20 टीम। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और वर्तमान समय में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे आकाश चोपड़ा अक्सर अपनी राय देते रहते हैं। वहीं अब उन्होंने हाल ही में दशक की बेस्ट T20 टीम का चयन किया है। आकाश ने इस टीम की सलामी जोड़ी के लिए भारत के रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच को चुना है। इस टीम में तीसरे नंबर के लिए टीम इंडिया के वर्तमान कप्तान विराट कोहली, शाकिब अल हसन, विकेटकीपर के रूप में इंग्लैंड के जोस बटलर को चुना गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल उनकी पहली पसंद रहे। इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज किरोन पोलार्ड को भी चुना है। गेंदबाजों में आकाश ने तेज गेंदबाज का जिम्मा भारत के जसप्रीत बुमराह, श्रीलंका के लसित मलिंगा और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को सौंपा है। लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल कर आसानी से चला सकते हैं व्हाट्सएप। मोबाइल नंबर के बजाय अब यूजर लैंडलाइन नंबर को रजिस्टर करके व्हाट्सएप चला सकेंगे। इसके लिए यूजर को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद यूजर को ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन मांगेगा। इसके बाद लैंडलाइन नंबर के साथ भारतीय कोड +91 चुने, लेकिन उससे पहले शून्य हटा दे। इसके बाद आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस ऐप की तरफ से लैंडलाइन नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। फिर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। ओटीपी के एक्सपायर होने तक का इंतजार करें। उसके बाद कॉल मी ऑप्शन को ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करें। इसके बाद यूजर को लैंडलाइन नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। फिर यूजर को ओटीपी डालकर आगे के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,150 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,150 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.42 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद जरुद्दीन, अजय तंती, श्वेता रॉय, नौशाद अली, कमलेश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सिंह, अमरजीत सिंह, राजकुमार यादव, अरुण कुमार, दीपक कुमार, चंद्रेश्वर चौपाल, पंकज कुमार, अजीत कुमार, उमेश यादव, रणधीर कुमार पासवान, पवन मुखिया, राजेश कुमार, दीपक राज, अशोक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।